वेलकम बैक एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेस टॉक चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे कि चैट जीपीटी के माध्यम से आप मनी किस तरह से कमा सकते हैं, पैसे किस तरह से कमा सकते हैं। चैट जीपीटी हाल ही में आया एक नया एआई ओपन सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से आप जो है बहुत बड़े बड़े काम यहाँ पर आसानी से करवा सकते। चाहे तो आप कुछ ही सेकंड में यहाँ पर जो है वेबसाइट डिजाइन करवा सकते हैं, वेबसाइट के लिए कोड बना सकते हैं, चाहे तो आप अपनी वेबसाइट के लिए पोस्ट राइटिंग कॉन्टेंट राइटिंग करवा सकते हैं, चाहे तो आप अपने YouTube चैनल के लिए टेक टाइटल डिस्क्रिप्शन यहां पर बना सकते हैं, चाहे तो आप अपने YouTube चैनल के लिए किस टॉपिक पर वीडियो बनाए और उस टॉपिक में क्या क्या कंटेंट आपको डालना है इसके लिए कंटेंट भी इससे रिज्यूम कर सकते हैं। आपको किसी को ईमेल भेजना हो, कहीं पर रिज्यूम भेजना हो, कोई ऐसे तैयार करना हो, कोई स्टडी से जुड़ा हुआ सवाल हो, चाहे आपका कोई कोर्स हो, ऐसे ग्रामर से लिखा हुआ कोई सवाल हो, फाइनेंस लीगल एडवाइजरी से जुड़े हुए कोई सवाल हो, इन सबके सोल्यूशन चैट जीपीटी पर उपलब्ध है। चैट जीपीटी क्या है और चैट जीपीटी को किस तरह से यूज किया जाता है, इसके बारे में जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में दे दी है। आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि चैट जीपीटी का उपयोग करते हुए आप किस तरह से यहाँ पर जो है पैसे कमा सकते हैं। तो आप भी ये सब जानने के इच्छुक है तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सेठ सोलंकी, आप देख रहे हैं सेठ स्टॉक चैनल, जहाँ पर आपको यूट्यूब ब्लॉगिंग, मेक मनी टिप्स, एजुकेशनल हेल्पफुल टेक्निकल नॉलेज समय समय पर मिलते रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि ये चैट जीपीटी नाम की वाला आखिर है क्या, चैट जीपीटी किस तरह से काम करता है और आपके काम में किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है। चैट जीपीटी ये एक ओपन एआई सॉफ्टवेयर है। ओपन एआई सॉफ्टवेयर यानी कि जिस तरह से गूगल पर आप किसी भी तरह के सवाल टाइप करते हैं, सवालों के जवाब आपको गूगल लिंक के रूप में नीचे देता है, यानी कि गूगल पर आप कोई सवाल जब यहाँ पर पूछते हैं तो गूगल आपको ये बताता है कि उसके जवाब कहाँ कहाँ उपलब्ध है, किन किन लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अपनी वेबसाइट के माध्यम से, अपने एप्लीकेशन के माध्यम से या किसी अन्य सोर्स से, इंटरनेट पर जहाँ पर भी आपने जो सवाल पूछा उसका जो आंसर उपलब्ध है वो आपको गूगल लाकर दे देता है। अब ये आपकी चॉइस बनती है कि आप किस वेबसाइट पर विजिट करके, किस चैनल पर विजिट करके आपके सवाल का जवाब देखना चाहते हैं, जवाब जानना चाहते हैं। लेकिन यहीं पर यदि हम चैट जीपीटी की बात करें तो चैट जीपीटी में जैसे ही आप अपने सवाल को टाइप करते हैं तो ये इंटरनेट पर आपके सवाल को ढूंढता है और खुद आपके पास आपके सवाल का जवाब लाकर देता है। ये जवाब भी ऐसा नहीं होता है कि किसी वेबसाइट से या किसी चैनल से उठा लिया गया हो। आपने जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आंसर यहाँ पर इंटरनेट पर उपलब्ध है उन सभी का निचोड़, उन सभी का कुछ इस तरह से आंसर यह खुद बनाता है और आपको चैट के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट करता है। ये एक तरह का यूनिक आंसर होता है जिसे चाहे तो आप इंटरनेट पर दोबारा यूज कर सकते हैं। अब ऐसे में यदि आप एक यूट्यूबर है तो किस तरह से आप चैट जीपीटी की मदद से पैसे बना सकते हैं। यदि आप एक यूट्यूबर है तो आपको किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए ये कंफ्यूजन है तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि टॉप 10 टॉपिक इन टेक्नोलॉजी, टॉप 10 टॉपिक इन स्टडी, टॉप 10 टॉपिक इन जॉब करियर। जैसे कि मैं यहाँ पर चैट जीपीटी से पूछना चाहता हूँ कि टॉप 10 वीडियो मेकिंग टॉपिक इन स्टडी, स्टडी के ऊपर टॉप 10 ऐसे टॉपिक बताइए जिन पर जो है यहाँ पर वीडियो बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं चैट जीपीटी हमें क्या आंसर करता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे ही मैंने यहाँ पर टाइप किया टॉप 10 वीडियो मेकिंग टॉपिक इन स्टडी, यानी कि ये समझ लीजिए कि आपका कोई यूट्यूब चैनल है जो स्टडी से जुड़ा हुआ है और उससे जुड़े आप टॉप 10 टॉपिक यहाँ पर जानना चाहते हैं तो टॉप 10 टॉपिक आपको यहाँ पर मिल गए हैं। अब इन 10 टॉपिक्स पर आप यहाँ पर वीडियो बना सकते हैं। अब यहाँ पर समस्या आती है कि ये जो पहला टॉपिक इन्होंने दिया है कि टिप्स फॉर इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स, यानी कि स्टडी के लिए अच्छी हैबिट्स क्या होनी चाहिए, आपकी स्टडी को इफेक्ट करने वाली हैबिट्स क्या है, इस पर आपको जानकारी नहीं है तो इसके लिए आप ये जो पहला वाला टॉपिक यहाँ आया इसे जो है यहाँ से कॉपी कीजिए, इसे यहाँ पेस्ट कीजिए और जो आइडिया इसने दिया था उसके ऊपर यह पूरी स्टडी करके भी दे देगा कि आपको जो हैबिट्स चाहिए, कौन सी हैबिट्स होनी चाहिए, कौन सी हैबिट्स नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में भी ये आपको जो है यहाँ पर जानकारी लाकर दे देगा। अब इन टॉपिक्स को पढ़िए, इन टॉपिक्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई कीजिए और इस पर वीडियो बना दीजिए, आपका काम हो गया। इसी तरह से यदि आप चाहते हैं कि आपका वीडियो का टाइटल क्या हो, आपके वीडियो में टैग क्या लगे, आपके वीडियो में डिस्क्रिप्शन क्या हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर चैट जीपीटी बनाकर देगा। इस तरह से आप एक अपना नया YouTube चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, YouTube से पैसे कमा सकते हैं और आइडिया यहाँ से ले सकते हैं। इसी तरह से आपके पास चैट जीपीटी की मदद से पैसे कमाने का सेकंड ऑप्शन है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग पर भी आप कंटेंट राइटिंग करते होंगे, आपको एक डोमेन और एक होस्टिंग लेना है। ब्लॉगिंग के लिए डोमेन होस्टिंग खरीदने के बाद वेबसाइट आप वर्ड
वर्डप्रेस पर बना सकते हैं, चाहे तो चैट जीपीटी की मदद से आप वेबसाइट भी डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा दिमाग और थोड़ा पेशेंस रखते हुए छोटे छोटे कोड्स को यहाँ से जो है तैयार करना होगा और आप यहाँ पर जो है वेबसाइट बना सकते हैं। अब मान लो कि मेरी यहाँ पर एक ऐसी वेबसाइट है जो किसी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बनी है और मैं स्टूडेंट को यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि DCA कोर्स क्या होता है और मैं 500 वर्ड में एक पोस्ट लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखा कि DCA क्या है 500 वर्ड में समझाइए। तो ये यहाँ पर DCA क्या है ये मुझे 500 वर्ड में समझा कर पूरा आर्टिकल तैयार करके दे देगा। इस आर्टिकल को आपको यहाँ से जो है कॉपी करना है और अपनी साइट पर, अपनी वेबसाइट पर, अपने ब्लॉग पर पब्लिक करना है। आप चाहे तो इसे अपनी तरफ से यहाँ पर जो है मॉडिफाई कर सकते हैं और एक अच्छा आर्टिकल आपके पास यहाँ पर जो है तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप चैट GPT की मदद से ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो यहाँ से भी जो है पैसे बना सकते हैं। तो तीसरा तरीका है चैट GPT से पैसा कमाने का, कॉन्टेंट राइटिंग का। यदि आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, यदि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, यदि आप किसी कंपनी के लिए कंटेंट राइटिंग यहां पर करते हैं, एक कंटेंट राइटर है, तो आप अपने कंटेंट को यहां से राइट करवा सकते हैं। जब भी आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करते हैं या कंटेंट राइटिंग करते हैं तो आपको आपकी कंपनी की तरफ से, आपके क्लाइंट की तरफ से टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक पर आपको जो है कंटेंट लिखना होता है। ऐसे में जो टॉपिक आपके क्लाइंट आपको यहाँ पर दे रहे हैं उस टॉपिक को आपको यहाँ पर चैट GPT पर आकर पेस्ट करना है और उस टॉपिक से जुड़ा हुआ कंटेंट आपको यहाँ पर चैट GPT राइट करके दे देगा, चैट GPT लिख कर दे देगा। उसमें आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत उसे मॉडिफाई कर दीजिए और अपने क्लाइंट को सर्व कर सकते हैं, अपने क्लाइंट की वेबसाइट पर लगा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से यदि आप एक कंटेंट राइटर है तो भी आप चैट GPT के माध्यम से पैसे बना सकते हैं और अपने आप को फास्ट ग्रो कर सकते हैं। चौथा तरीका है यहाँ पर चैट GPT के माध्यम से पैसे कमाने का, फ्रीलांसिंग। यदि आप एक फ्रीलांसिंग यहाँ पर करते हैं, फ्रीलांसिंग में आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, यूट्यूब के लिए टेक टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख कर देते हैं, किसी का होमवर्क करते हैं, किसी को फाइनेंशियली या लीगल एडवाइजरी आप यहाँ पर देते हैं, इस तरह के कई काम जिसमें कि आप फ्रीलांसिंग में यहाँ पर करते हैं वो सारी क्यूरीज आप यहां पर चैट GPT से पूछ सकते हैं। चैट GPT उनके सॉल्यूशन आपको दे देगा और वो सॉल्यूशन आप अपने क्लाइंट को फ्रीलांसर के माध्यम से यहां पर बनाकर दे सकते हैं और इस तरह से आप चैट GPT की मदद से यदि आप एक फ्रीलांसर है तो भी यहां पर जो है पैसे कमा सकते हैं और आपके पास कोई भी क्वेरी हो उसका सॉल्यूशन आप यहां से पा सकते हैं। पांचवा तरीका है चैट GPT से पैसा कमाने का, ऑनलाइन टीचिंग। आप यहां पर ऑनलाइन टीचिंग का काम कर सकते हैं। आप चाहे कोई एप्लीकेशन चला रहे हो, कोई वेबसाइट चला रहे हो, यूट्यूब चैनल चला रहे हो या किसी ऐप पर आप टीचरशिप का काम कर रहे हो, आपकी कोई प्राइवेट कोचिंग हो या आप कहीं पर गवर्नमेंट टीचर हो, ऐसी स्थिति में भी आप चैट GPT के माध्यम से अपनी क्वेरी सर्च कर सकते हैं, अपनी क्वेरी का सॉल्यूशन पा सकते हैं और आपको किसी सवाल के जवाब नहीं पता है, ऐसी स्थिति में भी आप टीचरशिप का काम यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। चैट GPT के माध्यम से अपने सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और उन जवाबों को आप यहाँ पर जो है लोगों तक पहुँचा सकते हैं। ऐसे में आप एक टीचरशिप का काम स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोगों को पढ़ा सकते हैं, टीचरशिप के लिए अपना खुद का एप्लीकेशन बना सकते हैं, टीचरशिप के लिए आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। कई सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको जो है टीचर बनने के मौके दिए जाते हैं, ऐसे एप्लीकेशंस में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। छठवां तरीका है चैट GPT से पैसे कमाने का, कोडिंग। यदि आप कोडिंग करते हैं, किसी कंपनी के लिए आप कोडिंग कर रहे हैं, वेबसाइट डेवलपर है, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ऐसी स्थिति में भी आपको जिस भी टॉपिक पर यहाँ पर कोडिंग चाहिए, जिस भी चीज़ के लिए आपको कोडिंग चाहिए, आप यहाँ से जो है कोडिंग कर सकते हैं। इस कोडिंग को आप कॉपी करके अपनी वेबसाइट में यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और इससे भी जो है आप यहाँ पर पैसे बना सकते हैं। आप कोडिंग के फील्ड में जो भी काम यहाँ पर कर रहे हैं उसे फास्ट तरीके से कर सकते हैं, आपका काम यहाँ पर जल्दी होगा और आप जो है जल्दी पैसे बना पाएंगे। इसी तरह से सातवां तरीका है चैट GPT से पैसा कमाने का, ईमेल मार्केटिंग। यदि आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं, ईमेल के माध्यम से किसी के प्रोडक्ट को या आपके खुद के बिजनेस या प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर ईमेल पर्टिकुलर लिखना होता है, उसके बाद आप जो है यहाँ पर अलग अलग लोगों को वह ईमेल भेजते हैं। ऐसे में आप चैट GPT के माध्यम से अपने ईमेल लिखवा सकते हैं। यहाँ पर आपको केवल क्वेश्चन भर लिखना है कि आपको किस टॉपिक पर यहाँ पर जो है ईमेल लिखना है और वो ईमेल आपको जो है चैट GPT लिख कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ से जो है चैट GPT से पूछना चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसा ईमेल यहाँ पर तैयार करके दीजिए जिससे कि मैं अपने सेस टॉक चैनल को यहाँ पर प्रमोट कर सकूँ। अब यहाँ पर देखते हैं, यदि आप यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक भी करके देते हैं तब भी जो है ये यहाँ पर समझ लेता है। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्वेश्चन किया कि एक ईमेल ऐसा तैयार करके दीजिए जिसके माध्यम से मैं अपने सेस टॉक चैनल को प्रमोट कर सकूँ, यहाँ पर देखिए आपको जो है ईमेल लिखकर मिल गया है, ईमेल तैयार मिल गया है। अब इस ईमेल को आप जो है यहाँ से कॉपी करेंगे और उन सभी लोगों तक यहाँ पर पहुँचा सकते हैं जहाँ से भी आप जो है ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, ईमेल के माध्यम से आपका खुद का प्रोडक्ट या अपने क्लाइंट का प्रोडक्ट
प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे में भी चैट जीपीटी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आठवां तरीका है चैट जीपीटी से पैसा कमाने का, होमवर्क। कई लोग यहाँ पर जो है होमवर्क करने के लिए भी चैट जीपीटी का प्रयोग कर रहे हैं, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए। कई स्कूलों में चैट जीपीटी को बैन कर दिया गया है, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें जो है अभी सीखने की ज़रूरत है, उन्हें फास्ट काम करने की ज़रूरत नहीं बल्कि होमवर्क करके कुछ सीखने की ज़रूरत होती है। लेकिन कई जगहों पर, कई वेबसाइट्स पर या कई तरह के प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट में आपको इस तरह की नोट्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ जाती है, इस तरह के आर्टिकल्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ जाती है, जिसके होमवर्क भी आप चैट जीपीटी के माध्यम से कर सकते हैं। कई लोग दूसरों को पैसे देकर अपना होमवर्क यहाँ पर करवाते हैं, कई लोग दूसरों से अपने प्रोजेक्ट यहाँ पर बनवाते हैं, और ऐसे प्रोजेक्ट बनाने के कई लोग यहाँ पर हज़ारों में चार्ज करते हैं। इस तरह से यदि आप चाहे तो खुद यहाँ पर जो है चैट जीपीटी के माध्यम से अपना होमवर्क कर सकते हैं, या आप कुछ इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि लोगों का होमवर्क करके दे रहे हैं, लोगों के प्रोजेक्ट आप बनाकर दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में चैट जीपीटी की मदद से आप होमवर्क करके भी पैसे अर्न कर सकते हैं। नौवां तरीका है चैट जीपीटी से पैसे कमाने का, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इन पर मार्केटिंग करके। यहाँ पर जो है मैं चैट जीपीटी से सवाल करता हूँ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल को किस तरह से प्रमोट कर सकता हूँ फेसबुक, इंस्टाग्राम या और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो यहाँ पर जो है ये मुझे सॉल्यूशन निकाल के दे देगा कि किस तरह से आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने चैनल्स को, अपने वीडियोस को प्रमोट कर सकते हैं, वहाँ से जो है पैसे कमा सकते हैं। इसी तरह से आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे आपका यूट्यूब चैनल हो, आप वीडियोस बनाते हो, आप रील्स बनाते हो, आप कोई वेबसाइट बनाते हो, किसी क्लाइंट के लिए आप कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, उसे भी जो है आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर या अन्य सोशल मीडिया पर किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, इसकी जानकारी ले सकते हैं, और वहाँ पर भी जो है प्रमोशन के लिए किस तरह का आर्टिकल लिखना है, किस तरह से जो फेसबुक यूज़र है, इंस्टाग्राम यूज़र है, उन्हें जो है अट्रैक्ट करना है, इस तरह की सारी चीज़ें भी जो है आपको यहाँ से जानने को और सीखने को मिलेगी, जिससे भी जो है आप यहाँ पर अपने खुद के प्रोडक्ट को, अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट को, अपने चैनल्स को, अपने ब्लॉग, वेबसाइट्स को यहाँ पर प्रमोट करके पैसे बना सकते हैं। चैट जीपीटी से पैसे कमाने का दसवां तरीका है, आप आपकी खुद की बुक यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं, खुद की बुक लिख सकते हैं और खुद की बुक लिख कर उसे जो है बेच कर पैसे कमा सकते हैं, या ई बुक लिख कर भी पैसे कमा सकते हैं। आपको यहाँ पर इस बात के बारे में जानकारी होगी ही या नहीं है, तो यदि आप गूगल या यूट्यूब सर्च करते हैं तो आप स्टडी के बारे में सर्च करेंगे कि स्टडी को लेकर किस तरह के कोर्सेस मार्केट में बिक रहे हैं, किस तरह की बुक मार्केट में बिक रही है, तो आप यहाँ पर किसी भी तरह की किसी स्पेशल परीक्षा के लिए बुक लॉन्च कर सकते हैं, किसी स्पेशल परीक्षा के लिए आप ई बुक बनाकर बेच सकते हैं, किसी स्पेशल परीक्षा के लिए पीडीएफ बुक्स बनाकर आप यहाँ से जो है बेच सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर चैट जीपीटी से पूछता हूँ कि टॉप 100 क्वेश्चन इन एमपी जीके के मुझे यहाँ पर बताइए कि मध्य प्रदेश जीके, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से जुड़े टॉप 100 क्वेश्चन कौन से है, तो देखते हैं यहाँ पर यह क्या सवाल का जवाब देता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन टाइप होना स्टार्ट हो चुके हैं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, यहाँ पर करंट चीफ मिनिस्टर क्या है, इस तरह के टॉप 100 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह से आप 100 नहीं 1000 क्वेश्चन के भी जवाब यहाँ से जो है जान सकते हैं, और इन्हें जो है पीडीएफ रूप में बनाकर, ई बुक बनाकर, इनकी बुक बनाकर आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, यहाँ से भी जो है आप पैसे कमा सकते हैं। इसी तरह से मार्केट में और कई तरीके हैं जहाँ से जो है आप चैट जीपीटी का प्रयोग करके पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी के प्रोडक्ट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, डिस्क्लाइमर लिखना है, तो उसके लिए आपको चैट जीपीटी मदद करेगी। आप किसी तरह की भी सहायता यहाँ पर लोगों को प्रदान करते हैं, आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, आप किसी भी तरह की जानकारी यहाँ पर चैट जीपीटी से ले सकते हैं और लोगों को उस तरह की सहायता प्रोवाइड कर सकते हैं। आप यहाँ पर रिलेशनशिप बिहेवियर मोटिवेशन स्पीकर है, उसके लिए जो है आपको यहाँ पर जो है टॉपिक मिल जाएंगे। आप फाइनेंशियल लीगल एडवाइजर है, उसके लिए आपको जो है यहाँ पर टॉपिक मिल जाएंगे। इस तरह से आप चैट जीपीटी की मदद से चाहे आप कोई भी डिजिटल वर्क कर रहे हो, आपको यहाँ पर जो है हेल्प मिलनी ही मिलनी है, आपको यहाँ पर जो है आपका काम प्लस में जाना ही जाना है। लेकिन कुछ जो टॉप 10 चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई, उसकी मदद से आप यहाँ से जो है पैसे कमा भी सकते हैं, और यदि आप यहाँ से पैसे नहीं भी कमा पाए तो आपके काम में ग्रो यहाँ पर जो है आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। आपका काम जो पहले 6 से 7 घंटे में होता था, वो 5 से 6 घंटे में आपका जो है काम यहाँ पर हो जाया करेगा। आपका एक तरह से आपके असिस्टेंट के तौर पर चैट जीपीटी यहाँ पर जो है काम करके आपको देगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में बताई गई ये टिप्स आपको पसंद आई होगी, और आप ये जान चुके होंगे कि चैट जीपीटी की मदद से किस तरह से पैसे बनाए जा सकते हैं, किस तरह से चैट जीपीटी आपके काम में यहाँ पर जो है मदद कर सकता है।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह से YouTube ब्लॉगिंग मेक मनी टिप्स एजुकेशनल हेल्पफुल टेक्निकल नॉलेज के लिए हमारे चैनल सेस टॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।